हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू सारिकाज वेज किचन। आज हम आपके लिए एक ऐसी हेल्दी रेसिपी लेकर आए हैं जो बेल से बनती है, बेल का शरबत। बेल का शरबत हमें गर्मियों में लू से बचाता है और एनर्जी भी देता है, इसलिए हमें गर्मियों में बेल का शरबत ज़रूर पीना चाहिए। ये डाइजेशन में भी बहुत हेल्प करता है, इसे बनाना भी बहुत ही आसान होता है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसके लिए हम एक बेल लेंगे। मैंने ये 500 ग्राम की बेल ली है, इसे वुड एप्पल भी कहते हैं। इसका जो शेल होता है वो बहुत ही हार्ड होता है। इसे अब हम एक बेलन की हेल्प से तोड़ लेंगे। देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं जो बेल है वो टूट गई है। बेल अंदर से इस तरीके की होती है। अब हम इस बेल के जो पल्प है उसे एक चम्मच की सहायता से निकाल लेंगे। इसके लिए मैंने एक बाउल लिया है और उस बाउल में इस बेल के पल्प को बेल की शेल से रिमूव कर लिया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरह मैंने बेल का सारा पल्प निकाल लिया है। अब हम इस बेल के पल्प में 750 मिलीलीटर ठंडा पानी डाल देंगे। हम बेल के शरबत को दो तरीके से बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें पानी और चीनी डालकर इसे गैस पे भी पका सकते हैं और इसे स्टोर कर सकते हैं, बट ऐसा करने से जो उसके न्यूट्रिशन होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए हम जो बेल का शरबत है वो फ्रेश ही बनाएंगे। इस तरह अब हम इसे मिक्स कर देंगे पानी में पल्प को और इसे एक घंटे के लिए ढककर रख देंगे। इसके अलावा हम लेंगे आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर, एक चम्मच काला नमक, थोड़ी सी मिंट लीव्स, दो चम्मच नींबू का रस और हमने कुछ ली है 3 से 4 चम्मच चीनी। जो हमने चीनी ली है वो हमने पिसी ली है ताकि इसे मिक्स करने में बेल के शरबत में आसानी होती है। अब एक घंटा हो गया है, अब हम बेल का जो हमने जो पल्प लिया था उसे हाथ से मैश करेंगे। इसे हमें हाथ से ही मैश करना होता है, इसे हमें मिक्सी में नहीं पीसना होता है, क्योंकि जो बीज होते हैं बेल के वो बहुत कड़वे होते हैं। अगर हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीसेंगे तो बेल के बीज पिस जाएंगे और जो बेल का शरबत बनेगा बहुत कड़वा सा, उसमें बिटरनेस आ जाएगी। देखिए इस तरीके से हो गया है अभी। अब हम इसे एक स्ट्रेनर की सहायता से इसे हम छान लेंगे। इसके लिए मैंने एक बाउल लिया है और उसमें छान रहे हैं। देखिए अब जो पल्प है वो सारा बाउल में इकट्ठा हो रहा है। इस तरह हम धीरे धीरे करके सारा पल्प छान लेंगे। जो उसके बेल के जो रशे हैं और जो बीज हैं वो ऊपर छलनी में रह गए हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और मिक्स करेंगे और बेल का प्रॉपर पल्प निकाल लेंगे। देखिए अब ये जो ऊपर के जो रशे और पल्प इस तरीके से अलग से रह जाएंगे बीज। अब हम इसमें पिसी हुई चीनी मिला देंगे। आप चाहे तो इसकी जगह गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें काला नमक, काली मिर्च पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर और नींबू का रस मिक्स कर देंगे। नींबू का रस जो वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे यूज़ कर सकते हैं और चाहे इसे स्किप भी कर सकते हैं। देखिए हमारा जो ये जूस तैयार हो गया है। अब हम इसमें, हमें गाढ़ा लग रहा है तो उसमें हम थोड़ा सा पानी मिला देंगे। मैंने इस पूरे बेल के शरबत में 1.25 लीटर पानी यूज़ किया है। अब हम एक जग लेंगे और उसमें थोड़ी सी आइस क्यूब्स डालेंगे, थोड़ी सी मिंट लीव्स और उसमें बेल के शरबत को हम डाल देंगे। आप देख सकते हैं हमारा जो बेल का शरबत है वो बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे। अब हम इसे मिंट लीव्स और लेमन स्लाइसेस से गार्निश करेंगे इस तरीके से। आप देख सकते हैं इसको बनाना कितना आसान है, यह बहुत ही कम समय में बन जाता है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपसे जल्दी मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर।